दोस्तों बीलव नेटवर्क पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को प्लीज एंड तक का देखते रहिएगा। तो दोस्तों बीलव नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप सर्च करेंगे बीलव नेटवर्क, ठीक है। सिंपली आपको टाइप करना है बीलव नेटवर्क और यहाँ से आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पर बीलव नेटवर्क एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बीलव नेटवर्क एप्लीकेशन जो है मेरे फ़ोन पर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी बीलव नेटवर्क एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइन अप, तो यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो भी कंट्री में से है उसी कंट्री को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालना है और यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यूज़र नेम पर भी यहाँ पर बहुत लोग की कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रही है इसी तरह का आपको यूज़र नेम डालना है। आपका फर्स्ट नेम आप डाल सकते हैं, उसके बाद में दो चार नंबर आप डाल सकते हैं, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई भी बंदा आपका जो पासवर्ड है उसको डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पर नीचे आपको फिर से कंफर्म करना है और यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है, ठीक है। तो रेफरल कोड आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाके आप रेफरल कोड लेंगे, यहाँ पर आप रेफरल कोड डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा, इस कोड को यहाँ पर आप डालेंगे और फिर यहाँ पर आप वेरीफाई कोड पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका एक प्राइवेट की आपके सामने बनकर आ जाएगा। इस प्राइवेट की को आपको संभाल के रखना है। अगर आप इस प्राइवेट की को मिस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो आईडी है ये भी मिस हो जाएगा, ठीक है। बिना प्राइवेट की के आप अपनी आईडी को यूज नहीं कर सकते, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्राइवेट की जो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में आप कहीं भी अपनी फैमिली में से किसी का भी व्हाट्सएप पर इसको सेव करके रख सकते हैं या तो कहीं पर भी आप अपने हिसाब से इसको सेव करके रख सकते हैं ताकि ये जो प्राइवेट की है ये कहीं पर लीक ना हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट की है ये डाउनलोड भी हो जाएगा, ताकि यहाँ पर आपने जो कॉपी किया ये अगर मिस हो जाता है तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ होगा उसी पीडीएफ से आप अपनी प्राइवेट की को निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों बीलव नेटवर्क का लिंक और रेफरल कोड दोनों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल